अलीमान यूथ फाउंडेशन ने गांदरबल पुलिस, SMHS अस्पताल और हेल्प पुअर वॉलंटियर ट्रस्ट के सहयोग से गांदरबल जिले के बहीमा पार्क में ब्लड डोनेशन शिविर का आयोजन किया। शिविर में नागरिकों, स्वयंसेवकों, पुलिसकर्मियों और समाज के अन्य प्रमुख वर्गों की भागीदारी रही। इस अवसर पर बोलते हुए अलीमान फाउंडेशन के अध्यक्ष ने रक्तदान के फायदों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ब्लड डोनेशन न केवल दूसरों की जान बचाता है बल्कि दानकर्ता को लंबे समय तक स्वस्थ तरीके से जीने में भी मदद करता है। शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में रक्तदान को लेकर अंधविश्वास और डर को लेकर आम जनता को जागरूक करना था। अलीमान फाउंडेशन के अध्यक्ष ने प्रतिभागियों से वॉलंटियर ब्लड डोनेशन के संदेश को जिले के कोने कोने तक फैलाने की अपील की। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। मेरा नाम इश्फाक मुजीद है, मैं चेयरमैन JK लाइफलाइन फाउंडेशन का हूँ। और जो अलीमान यूथ फाउंडेशन है, ऑलवेज़ हम कोलाबरेशन में जितने भी कैंपस कर रहे हैं कोलाबरेशन में कर रहे हैं, ये हमारा साथ दे रहे हैं, हम इनका साथ दे रहे हैं। मैं कुपवारा से खुद बिलोंग करता हूँ और इन्होंने हमें इन्वाइट किया था, वहाँ से मेरी टीम मेरे साथ में हम आए थे यहाँ पर इनको हेल्प करने के लिए। और हमेशा जो ये ब्लड का मसला है, पहले अगर हम देख ले आज से 3-4 साल पहले पीछे जाए हम, तो वहाँ पर देख ले तो एक बंदे की ब्लड की ज़रूरत, तब माँ या बेटा अपनी बहन को देने से इनकार कर रहा था, बाप अपने बेटे को देने से इनकार कर रहा था, सब भाग रहे थे। लेकिन ये जो ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ये एक अवेयरनेस हो रही है लोगों में कि इससे कोई मसला नहीं हो रहा है, इससे कोई बीमारी नहीं होती है। अगर आप में कोई ऐसी बीमारी हो, ब्लड डोनेट करने से आपको उन बीमारियों से ये छुटकारा मिल सकता है। इसीलिए हम लोगों को भी मैसेज देना चाहते हैं, आप भी आइए इन ब्लड डोनेशन कैंपों में शिरकत कीजिए, ताकि जो और लोग हमारे हैं जिनको ये ब्लड की ज़रूरत है उनकी जानें बच जाए। साजिद अजीज़ है और मैं बिलोंग करता हूँ गांदरबल से, और मैं अलीमान यूथ फाउंडेशन से वाबस्ता हूँ, इसका मेंबर हूँ। और आज हमने यहाँ पे एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया है, जो कि गांदरबल के बीहमा मस्जिद के पार्क में हमने रखा है। और हम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि आप आइए, अपना कीमती ब्लड दीजिए, लोगों की जानें बचाइए। और हमारा मैसेज यही रहेगा लोगों के लिए, आप आइए ब्लड दीजिए, किसी की जान बचाइए। क्या हमने खुद भी हॉस्पिटल्स में जाके देखा है, जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो इस ब्लड के लिए तरसते हैं। हमारा टारगेट रहेगा आज 180 से प्लस का, इंशाल्लाह हमने आज रखा है टारगेट। हम यहाँ पे आए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर की तरफ से। तो यहाँ पे हम अलीमान यूथ फाउंडेशन JNK के साथ एक वॉलंटियर ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। यहाँ पे हर साल इनके साथ कैंप होता है, नॉट इन ईयरली, हम 3-3 मंथ्स के बाद इनके साथ कैंप करते हैं। 100 अबो हमारे पास डोनर्स आते हैं इनके ज़रिए। तो ये जो इनके साथ कैंप होता है, इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। ये सारे लोगों को, सारे यूथ को मोटिवेट करते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। तो उसके बाद हमारा जो ये इनका ब्लड जो है हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे लोगों के काम आता है, जो एक्सीडेंटल केसेस हो, कैंसर पेशेंट्स हो, या फिर वहाँ पे फेरेसिस पेशेंट्स होते हैं, उनको भी ये ब्लड लगता है। किडनी डायलिसिस होता है किसी को, ये ब्लड उनको भी लगता है। हमारी यही मैसेज रहेगी सारे लोगों से, सारे आवाम से, कि ऐसे ही ब्लड डोनेट करते रहो, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट्स में जितना रिजर्व्ड ब्लड होगा उतने ही पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं हम। कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट वेट करता रहे ब्लड का, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही लोगों की वजह से अलीमान हमेशा हमारे साथ, अलीमान फाउंडेशन जो है हमारे साथ हमेशा कैंप करते हैं। इनकी वजह से तो हमारे पेशेंट्स बचते रहते हैं। कभी एक्सीडेंटल केसेस होते हैं या फिर ऑपरेशन का किसी को होता है, ऑपरेशन होता है, उनके साथ कोई डोनर नहीं होता है, इन्हीं का ब्लड हम वहाँ पे रिजर्व रख के उनको पेश करते हैं, फिर उनकी जान बच जाती है।